जहां पूरे भारत के अंदर मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मंदिर भैरव स्थान मंदिर जो कि औराई ब्लॉक के अंदर आता है। हाँ, लेकिन बाहर से ही जल घाटे चले जाते हैं, दर्शन तो होता नहीं था, लेकिन अपना पूजा करना। अभी खुला हुआ है मंदिर? नहीं, सुने थे। अच्छा, लेकिन नहीं खुला है, फिर भी दर्शन तो होगा ही नहीं, जल ढाल लेते अपना। इस मंदिर के कपाट नहीं खोले गए हैं, इसका मुख्य कारण है इस मंदिर के कोई कमेटी का ना होना। यहाँ जो पुजारी हैं वही पुजारी मंदिर को चलाते हैं। व्यवस्था है, सार्वजनिक प्लेस है और 8 तारीख से ओपन होने वाला था, लेकिन इस कारण नहीं हुआ है, जिसके कारण इस मंदिर का सैनिटाइजर अभी बंद नहीं हुआ है। सैनिटाइजर होना अति जरूरी है, सरकार को जबकि यहाँ से खूब लाभ मिलती है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सैनिटाइजर नहीं हुआ इसके कारण ये मंदिर अभी तक नहीं खुला है। बड़ा बाबू कल हम लोगों को आकर के सामने बोल दिए थे, यदि मंदिर नहीं खुलना है हम आएंगे, आप लोगों से इसके बारे में खुद बतलाएंगे तब खुला। अच्छा, इसमें कि छूना भी नहीं है और यहाँ तब सार्वजनिक प्लेस है, जब ये मंदिर खुलेंगे लोग छूने के लिए दिक्कतें। जब मौके पर डबल ए न्यूज संवाददाता कामेश्वर कुमार पहुँचे और इन्होंने औराई थाना के प्रभारी रविंदर यादव से बात की, तब जाकर इस मंदिर के कपाट खोले गए। लेकिन आज खुलने की तारीख थी, इसलिए मैंने आया हूँ कि इतना दिन से बंद है तो जाकर के बाबा से स्पष्ट मैं करूँ, इसीलिए मैं आया हूँ श्रद्धा के साथ। ये लॉकडाउन में आप कैसे पूजा करते थे भोले बाबा? बस बाहर से ही अंदर आत्मा से पूजा करके अपना हम लोग निकल चलते थे, निकल चलते। मगर अभी तक मंदिर को सैनिटाइज नहीं किया गया और यहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता, आखिरी जिम्मेदारी बनती किसकी है? जबकि ये मंदिर मुजफ्फरपुर जिले के अंदर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। अभी सुरक्षा का पूरा मानक का ख्याल रखा हुआ है, देखिए हम मास्क भी लगाए हैं और भारत से पूरे देश की रक्षा भगवान करे, इसलिए हम लोग दया दुआ मांग रहे हैं। मुजफ्फरपुर से कामेश्वर कुमार की रिपोर्ट।